हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द साइकिक नर्स। तो स्टूडेंट, आज के दिन हम डिस्कस करेंगे माइक्रोबायोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कोल्ड चेन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, ये हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है वीडियो, तो आप लाइक करके सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सिस्टम ऑफ स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग द वैक्सीन एट अ लो टेम्परेचर फ्रॉम द प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टू द एक्चुअल वैक्सीनेशन साइट इज कॉल्ड कोल्ड चेन। यानी कोल्ड चेन का मतलब क्या होता है? देखिए, वैक्सीन होती है, उसे एक ऑप्टिमम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है उसे स्टोर करने के लिए, ठीक है। ज़्यादा ज़्यादा हीट नहीं, अगर कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी एंटीबॉडी या एंटीजन अगर हम हीट में रखेंगे, गर्म वातावरण में रखेंगे, तो क्या होता है, उसकी ये सेफ होती है, वो कोगुलेट करने लगती है, यानी कि सॉरी डिसकोगुलेट होने लगती है, यानी कि पिघलने लगती है। कोगुलेशन का मतलब होता है जमना, और डिसकोगुलेशन का मतलब वो अपना शेप चेंज करने लगती है, यानी पिघलने लगती है। अगर टेम्परेचर हाई हो जाए तो नॉर्मल सभी बैक्टीरिया के साथ ऐसा ही होता है, लेकिन कोल्ड के अंदर क्या होता है, कोल्ड सिस्टम में, कि वो चीज़ें वहीं के वहीं स्टॉप हो जाती हैं, उनकी ग्रोथ वहीं पर रुक जाती है। दिन जब उन्हें हम इंजेक्ट कराते हैं या प्रॉपर प्लेस देते हैं, तो अपनी ग्रोथ फिर से शुरू कर देती हैं। इसीलिए हर चीज़ को हम कोल्ड टेम्परेचर के अंदर स्टोर करते हैं, ठीक है ना। तो ये भी वही है, कोल्ड चेन वो प्रक्रिया है जिससे किसी ह्यूमन वैक्सीन को या फिर इक्विपमेंट को हमें एक प्रॉपर प्लेस तक, जहाँ पर उसका प्लेस हो, वैक्सीनेशन साइट हो, जिस जगह पे वैक्सीनेशन होना हो, इम्यूनाइजेशन होना हो, वहाँ पे ले जाने के लिए जिस चीज़ की सहायता लेते हैं, उसे हम कोल्ड चेन कहते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। तो इम्पोर्टेंस ऑफ कोल्ड चेन क्या होती है, मतलब कोल्ड चेन के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो ऑब्टेनिंग द वैक्सीन फ्रॉम द मैन्युफैक्चर, यानी कि वैक्सीन को हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, जो जहाँ से वैक्सीन बनती हैं, कोल्ड बॉक्सेस में ही वैक्सीन को वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे नहीं ले जाएंगे, ऐसे ले जाएंगे तो उसको थोड़ा सनलाइट वगैरह पड़ेगी, तो वैक्सीन थोड़ा डिसइंफेक्ट भी हो सकती है, ठीक है ना। उसके बाद है स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग द वैक्सीन, वैक्सीन को स्टोर करके किसी गोदाम वगैरह अच्छी जगह पे उसे उस जगह से एक दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं। देन मेंटेन द सप्लाई ऑफ वैक्सीन, तो ये आप समझ गए होंगे, वैक्सीन की जो सप्लाई होती है वो भी मेंटेन बनी रहती है। कीप द वैक्सीन एट द लो टेम्परेचर, देखिए जो वैक्सीन होती है उसको लो टेम्परेचर हम रख सकते हैं। प्रोटेक्टिंग द वैक्सीन फ्रॉम अ सनलाइट एक्सपोज, देखिए मैंने बताया था अभी कि जो सनलाइट से एक्सपोज होने से हम वैक्सीन को बचाते हैं, क्योंकि देखो सनलाइट होती है ना, वो थोड़ा अगर डायरेक्ट सनलाइट के कॉन्टेक्ट में आएंगे तो जो उसमें एंटीजेंस होते हैं या एंटीबॉडीज होते हैं वैक्सीन में, तो वो अपनी शेप को बिगाड़ सकते हैं, यानी कि थोड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं वो अगर उनकी शेप वगैरह बिगड़ेगी तो। देन उसके बाद है मेंटेन द पोटेंसी ऑफ वैक्सीन, जो वैक्सीन की मात्रा है उसे भी हम बरकरार करके रख सकते हैं। अब देखते हैं कि कोल्ड चेन कितने प्रकार की होती है, कितने टाइप होते हैं। तो देर आर 6 टाइप ऑफ कोल्ड चेन। पहला है वैक्सीन कैरियर, फिर कोल्ड पैक, डे कैरियर, रेफ्रिजरेटर, वॉक इन कूलर एंड अदर। तो इसमें पहला देखते हैं, पहला है वैक्सीन कैरियर। तो इसमें दे आर सूटेबल टू कैरी स्मॉल क्वालिटी ऑफ वैक्सीन टू हेल्थ सब सेंटर, विलेज एंड स्मॉल टाउन 16 to 20 vials एट अ टाइम। यानी देखिए इसमें क्या है, जो वैक्सीन कैरियर होते हैं ये एक तरह के ब्लू बॉक्सेस टाइप होते हैं, आपने नॉर्मली सभी लोगों ने देखे होंगे। अभी वैक्सीनेशन किया जा रहा है तो उसमें जितनी भी ANMs होती हैं वो ऐसे ही बॉक्स को कैरी किए रहती हैं। इन बॉक्सों को क्या बोलते हैं, वैक्सीन कैरियर बोलते हैं। इस पर 16 से 20 vial होती हैं और वैक्सीन कीप अप टू 2 to 3 days, यानी वैक्सीन इसमें 2 से 3 दिन तक सेफ रख सकती है। उस वैक्सीन को हम स्टोर करके रख सकते हैं, 2 से 3 दिन के बाद उसमें थोड़े टेम्परेचर में थोड़ी गिरावट आएगी, वो अपना टेम्परेचर खो सकता है बॉक्स, तो 2 से 3 दिन तक हम इसमें मतलब कर सकते हैं वैक्सीन को स्टोर, और इसमें 16 से 20 vial आ सकती हैं, ठीक है ना। अब आप कहीं पर वैक्सीन लगवाने जाओ तो आप ये चीज़ नोटिस करना कि उनके पास कौन सा बैग कैरियर है, ठीक है ना। तो ज़्यादातर वैक्सीनेशन वाली टीम वैक्सीन कैरियर ही लेके जाती हैं, वैक्सीन वगैरह लेके। फिर इसके बाद है कोल्ड बॉक्स, तो दिस कैन ट्रांसपोर्ट लार्ज क्वांटिटी ऑफ वैक्सीन बाई व्हीकल। बॉक्स साइज आर 5 to 20 liter। इट्स कैन प्रिजर्व वैक्सीन फॉर अप टू 1 week विदाउट एनी पावर सप्लाई। देखिए एक एग्जांपल देता हूँ, आपने देखा होगा जो एक फॉर्म होता है, फॉर्म के एक बड़े से बॉक्सेस होते हैं, कम से कम उनका साइज़ भी ऐसे ही होता होगा 5 से 20 liter तक का, इसमें इमेज में भी आप देख सकते हैं 5 से 20 liter का होता है। तो उसमें वैक्सीन को भी हम स्टोर करके रखते हैं। आपने देखा होगा ज़्यादातर जो आइसक्रीम वाले होते हैं उनके पास ऐसा बैग होता है
जिसमें वो सारी ये चीज़ें स्टोर करके रखती हैं। और इसमें चीज़ें कब तक स्टोर करके रखती हैं, बिना पावर सप्लाई बिना बिजली वगैरह के, वो कम से कम 1 वीक तक, 7 दिनों तक, 1 हफ्ते तक ये चीज़ें स्टोर करके रख सकते हैं बिना किसी पावर सप्लाई के। उसके बाद है डे कैरियर, तो इसमें है दीज इक्विपमेंट आर यूज टू कीप वैक्सीन फॉर अ डे, कैपेसिटी होल्ड 6 to 8 वायल्स ऑफ 20 आवर्स, दिस इंक्लूड बॉक्सेस ऑफ थर्मोकॉल एंड थर्मोफ्लेक्स कंटेन आइस पैक। देखिए इसमें क्या होता है, आइस पैक क्या होते हैं, देखो आइस पैक मैं बता दूं, आइस पैक उन पैक्स को कहा जाता है जिन जो मतलब एक स्मॉल क्वांटिटी होते हैं और उनमें आइस वगैरह या तो सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में भरी जाती है। ये ट्रीटमेंट में भी काम आते हैं, जैसे किसी की स्वेलिंग वगैरह आ जाती है तो वहाँ पर सिकाई वगैरह करने में भी ये आइस पैक काम आते हैं। और इन आइस पैक को जो डे कैरियर होता है, डे कैरियर की साइड से लगाया जाता है ताकि ये एक तरह का छोटा सा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकें, एक दिन के लिए, आधे दिन के लिए, 12 घंटे, 24 घंटे के लिए, जिससे कि उसमें जो वैक्सीन वगैरह रखी हुई हैं उनको एक प्रॉपर टेम्परेचर मिल सके। अगर कहीं थोड़ी लंबी दूरी तक नहीं, थोड़े आसपास ही एरिया में जाना है तो ठीक है ना। तो ये होता है इसमें सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, जो डे कैरियर्स होते हैं, डे कैरियर्स में ये होता है कि एक छोटा सा बॉक्स होता है, उसमें आइस पैक वगैरह रखे जाते हैं, कोई थर्माकोल वगैरह का होता है, मैंने बताया था फॉर्म वगैरह जिसे बोलते हैं, उसमें ये आइस पैक रखे होते हैं और उसमें 8 से 6 बाइल तक आ जाती हैं जो कि 12 घंटे तक स्टोर करने की कैपेसिटी होती है उसकी। देन इसके बाद है रेफ्रिजरेटर, तो इट्स अ टू टाइप, डीप फ्रिज एंड स्मॉल डीप फ्रिज, यूज इन ऑल डिस्ट्रिक्ट लेवल, इज ऑल्सो यूज टू मेक आइस मेक एंड फॉर स्टोरिंग ओपीवी एंड मीजल्स वैक्सीन। और ओपीवी क्या होता है, ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है ना। लेकिन ओपीवी, अब ओपीवी का उतना काम नहीं है क्योंकि इंडिया से 2019 में पूरी तरह से ओपीवी, जो पोलियो था वो गायब हो चुका है, तो हमारा देश पूरी तरह से पोलियो फ्री है। लेकिन पाकिस्तान में अभी भी पोलियो काफ़ी पेशेंट जाते हैं, पेशेंट दिखते हैं, ठीक है ना। अगर वहाँ पर हम जाते हैं ट्रैवल वगैरह करने तो उस जगह पे पोलियो की वैक्सीन अभी भी लगाई जाती है, ठीक है। ओरल पोलियो, और पोलियो की जो वैक्सीन थी वो ओरल रूट यानी मुंह के द्वारा दी जाती थी, ठीक है ना। देन इसके बाद है वॉकिंग कूलर, तो ये है दिस इज रेफ्रिजरेटर ऑफ द साइज ऑफ अ रूम इन विच ऑल टाइप ऑफ वैक्सीन कैन बी कीप सेव इट यूज टू डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर। देखिए जो वॉकिंग कूलर होता है ये कोल्ड चेन की सबसे लार्ज कड़ी होता है, सबसे बड़ा पार्ट होता है, क्योंकि इसमें हर तरह की वैक्सीन को काफ़ी लंबे टाइम तक रखा जा सकता है, क्योंकि ये रेगुलेट होता है इलेक्ट्रिसिटी से, बिजली से रेगुलेट होता है। और इसमें देखो ब्लड बैंक्स वगैरह होती हैं, काफ़ी लेबोरेटरीज वगैरह होती हैं, उसमें उनके जितने भी केमिकल्स और इक्विपमेंट्स होते हैं वो वॉकिंग कूलर में ही रखे जाते हैं, क्योंकि ये एक तरह से काफ़ी एक रूम के साइज़ का होता है, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही था, आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए खुश रहिए स्टूडेंट, पढ़ते रहिए, बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑल।